नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग में एक दिल दहलाने वाला घटनाक्रम सामने आया। जी, टीकमगढ़ में मां को गोली मारकर हत्या के बाद नाबालिग ने पुलिस को फोन भी कर दिया। जी हां, बहुत बड़ी घटना हुई है। दरअसल हम आपको बता दें, पूरा मामला टीकमगढ़ जिले से जुड़ा है, जहां पर शहर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत भगत नगर कॉलोनी में मंगलवार दोपहर नाबालिग बेटे ने माँ की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि माँ उसे प्यार नहीं करती थी और आए दिन टॉर्चर करती थी। घटना से पहले उसे गिलास फेंक कर मारा था। बैंक में सुरक्षा गार्ड पिता की लाइसेंसी बंदूक से उसने माँ को गोली मारी थी। देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव ने बताया कि सपना पत्नी रमेश रजक उम्र 42 वर्ष की उम्र 17 वर्ष थी, बेटे ने गोली मारकर मां की हत्या कर दी। आरोपी का पिता रमेश रजक शहर के इलाहाबाद बैंक में सुरक्षा गार्ड के तौर पर पदस्थ है। बेटे ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से ही मां को गोली मार दी है, जो सीने में लगी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि माँ उसे हमेशा ही टॉर्चर करती थी। मंगलवार को भी गोली मारने से पहले किसी बात को लेकर माँ ने बेटे को गिलास फेंक कर मार दिया था। इस बात को लेकर वह झल्लाया हुआ था और घटना के दौरान उसका पिता हीरानगर गांव गया था। दोपहर में बेटे ने ही माँ को नहाने के लिए गर्म पानी दिया और नहाकर माँ जैसे ही कमरे में पहुँची तो उसने माँ के सीने में लाइसेंसी बंदूक से गोली दाग दी। एडिशनल SP सीताराम ससत्या ने बताया है कि पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि माँ प्यार नहीं करती थी। सुनिए जरा उन्होंने क्या क्या बातें कही है, लेकिन बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ये मृतिका सपना पति रमेश रजक है, उसमें उसके बेटे ने गोली मार दी है, जो उसके बाप के नाम की लाइसेंसी बंदूक है। लड़के का नाम हर्ष रजक है, जो करीबन 16 साल की उम्र का है। उसका कहना है कि उसकी माँ जो है उसे प्यार नहीं करती थी, परेशान करती थी, इसलिए उसने गोली मारना बताया। अच्छा, किस टाइप से परेशान करती थी, कुछ बताया उसने? उसका कहना है कि प्यार नहीं करती थी। अच्छा, कितने साल का आरोपी होगा जी, पढ़ता था कि क्या करता था? हाँ, 11वीं में पढ़ने की जानकारी है और ये 16 साल की उम्र का है। सर, आरोपी जो गिरफ्तार कर लिया, तो भाई से मिलाए थे और कहीं से उसको? अभी तो आरोपी अभी रक्षा में है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कहाँ था हत्या के बाद? ये मेरे पास में 100 डायल के माध्यम से फोन आया था और यही 100 डायल की खबर मैंने थाना प्रभारी देहात को भेजी। उसी के आधार पर तत्काल पुलिस जो है कोर्ट पर पहुँच गई।